कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए एक्टिव हुए पीएम, चुनाव और आपदा की तरह डिलीवरी का बताया प्लान। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले साल के शुरू में इसके बाजार में उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन रेस में काफी आगे है। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला देसी वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। इसी बीच पीएमओ भी कोरोना के संक्रमण और वैक्सीन वितरण को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है। इसके लिए पीएम मोदी ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि महामारी को रोकने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसे रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखना होगा। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसी चीजों का पालन करना होगा। पीएम मोदी ने बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने साथ ही कोविड की समस्या से निपटने में प्रशासनिक तैयारियों की भी जानकारी ली। दरअसल पीएम कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर काफी एक्टिव दिखे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर अगले महीनों में मिल सकती है। पीएम मोदी ने चुनाव आयोजन की तरह टीका वितरण की ऐसी प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया जिसमें सरकारी और नागरिक समूहों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी हो। पीएम ने कहा कि टीका तैयार होने के बाद जनता तक तेजी से पहुंचाने के लिए कारगर व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए चुनाव और आपदा प्रबंधन के अनुभवों का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुदाय को मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि हमें वैक्सीन वितरण, टीका निर्माण, दवाइयों और वैक्सीन निर्माण के लिए आईटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने जैसे प्रयासों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। पीएम मोदी ने बीमारी को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के खिलाफ चेताया, साथ ही महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने त्योहार के मौसम में विशेष तौर पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस महामारी के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरतते हुए मास्क लगाना चाहिए, नियमित रूप से हाथों को धोना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बैठक में बताया गया कि 3 टीके भारत में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 टीके दूसरे चरण में और 1 तीसरे चरण में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान दल पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशियस, नेपाल और श्रीलंका में अनुसंधान क्षमताओं में सहयोग कर रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने अपने देशों में वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए अनुरोध भेजे हैं। पीएम मोदी की इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि भारत में 3 टीके विकसित होने के उन्नत चरणों में हैं, जिनमें से 2 टीके दूसरे चरण में और 1 टीका तीसरे चरण में है। कोरोना से जंग में आने वाले 2.5 महीने अहम। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 2.5 महीने बहुत अहम है, इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें और कोरोना को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन का परीक्षण अग्रिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में जल्द ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में जिन 3 टीकों को विकसित करने का काम प्रगति पर है, उनमें से 1 वैक्सीन के लिए 3रे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 वैक्सीन अभी 2रे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के दौर में है। उन्होंने कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 2.5 महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों और त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। इसी बीच इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल और DBT ने भारत में कोरोना वायरस के जीनोम पर 2 स्टडी की हैं। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि वायरस अनुवांशिक रूप से स्थिर है, वायरस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। ये अध्ययन इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले कई वायरस विशेषज्ञों ने कहा था कि वायरस के जीनोम में काफी बदलाव आया है। वहीं 18 सितंबर को सक्रिय मामले सर्वाधिक 10.17 लाख रिकॉर्ड किए गए थे। इसके बाद से लगातार मामलों में गिरावट आ रही है। करीब 2 लाख कम होकर सक्रिय मामले 7.98 लाख हो चुके हैं। यही नहीं, मामलों के दोगुना होने की अवधि भी बढ़ गई है। अगस्त मध्य में मामले 25.5 दिन में दोगुना हो रहे थे, वहीं अब ये अवधि 72.8 दिन हो गई है। महामारी विशेषज्ञों का मानना है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये कोरोना की दूसरी लहर का कारण बन सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन, स्कूल कॉलेज खुलने, सर्दी और प्रदूषण के चलते इसकी दूसरी लहर आ सकती है।